गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। मैं हूँ मुदिता और आज हम करने वाले हैं क्लास 3 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। इससे पहले दो क्लास आ चुकी हैं, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, बहुत मज़ा आएगा। और आज की क्लास में तो सच में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो लेट हैव अ लुक, आज हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। गाइज, आप अपने सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सो इसे स्टार्ट करें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बच्चे देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो में खो जाते हैं। तो इतना मत खो, पहले लाइक कर दो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन अगर आप एक नॉर्मल बंदे से पूछेंगे, भैया रेस्पिरेशन क्या होता है, एक छोटे बच्चे से पूछेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, तो बोलेगा रेस्पिरेशन पता नहीं जी। थोड़े बड़े बच्चे से पूछेंगे तो बोलेगा जी सांस लेते हैं, उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। और हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि साइंस की लैंग्वेज में रेस्पिरेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू अ क्लास 10 स्टूडेंट, रेस्पिरेशन क्या है? सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। हैं, हमने तो पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब तो काफ़ी वास्ट है, रेस्पिरेशन का मतलब तो काफ़ी बड़ा है। क्या मतलब है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी, अपने फूड से एनर्जी लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलिए थोड़ा सा और मैं आप लोग के लिए सिंप्लीफाई करती हूँ। अभी तक हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था कि जो भी आप लोग फूड खाते हो वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका सिंपल फॉर्म में, कंप्लीट डाइजेशन के बाद सिंपल फॉर्म में। और सिंपल फॉर्म क्या होता है? C6H12O6। ये हमारा क्या होता है? सिंपल फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज बन गया तो क्या आपको इस ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखिए, आपके पास घर में खाना होता है तो उसे पकाने के लिए क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, हमेशा ग्लूकोज में बोलूं तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज है, जब इसमें आपका हीट होता है, ये बर्न होता है, तब आपको एनर्जी मिलती है। ये बर्न कैसे होगा? जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? रेस्पिरेशन से मिलेगा। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो आपने फूड खाया है, जो डाइजेस्ट हुआ है, ग्लूकोज है, जब उसको ऑक्सीजन मिलती है ब्रीदिंग से, रेस्पिरेशन से, और उस ऑक्सीजन से, उस ऑक्सीजन की हेल्प से ये ग्लूकोज क्या है, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी, तब जाके आपको एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे आपके फूड से आपको एनर्जी मिलती है। आप सोचते हो कि मैंने खाना खाया मेरे को एनर्जी मिल गई? जी नहीं, ऐसे एनर्जी नहीं मिलती। आप जो खाना खाते हो उसके कंप्लीट डाइजेशन में 5 से 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जी जब आप ऑक्सीजन इनटेक करते हो, ऐसे इनहेल करते हो, फिर एक्सहेल करते हो, तो ऑक्सीजन जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है, एक एक सेल में जाता है, तो वहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी मिलना रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये है हमारा सिंपल रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को भी हम बांट सकते हैं 2 पार्ट्स में। कैसे? रेस्पिरेशन होता है एरोबिक और एनएरोबिक। एनएरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी ऑक्सीजन ली जाती है, तब उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। पहली छोटी क्लासेस में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई? ये सेल का पार्ट है। क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं सेल को पूरा अच्छे से, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड ईस्ट सेल। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ये भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं सेल के अंदर होता है, एंड ईस्ट सेल, ठीक है, ईस्ट के सेल्स में होता है।
एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड एक एसिड प्रोड्यूस होता है एट टाइम ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर विद रिलीज एनर्जी। CO2 और वाटर के साथ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। और हम नॉर्मल टाइम में जब ब्रीथ कर रहे होते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है हमारी बॉडी में और हमें एनर्जी मिल रही होती है CO2 और वाटर रिलीज। अगर आप देखेंगे भी जब भी आप ब्रीथ करते हो तो आप छोड़ते क्या हो, CO2 रिलीज करते हो ना, तो CO2 और CO2 के साथ साथ अगर आप देखोगे तो वाटर वेपर भी रिलीज करते हो और एनर्जी तो आपको मिलती है काम करने के लिए, तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल CO2 लैक्टिक एसिड विद रिलीज एनर्जी। एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगी बट इथेनॉल और CO2 एंड लैक्टिक एसिड के साथ। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस अप टू 36 ATP ऑफ एनर्जी। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिलीज कितना, 36 ATP एनर्जी। व्हाट इज ATP? ATP इज द एनर्जी करेंसी, यानी एनर्जी को हम जिस फॉर्म में नापते हैं उसे ATP बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, तो यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होती है, एक मॉलिक्यूल केवल 2 ATP एनर्जी रिलीज करता है। तो ये क्लियर हो गया कि एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन का पाथवे क्या होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। आप सोचते हैं कि जो आपने खाना खाया वो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बन गया भैया, तो इस ग्लूकोज का कैसे ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन आके ये कैसे एनर्जी बनाता है, तो उसका एक पाथवे होता है जिसे हमें समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से होता है। ये आपका है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। आपके ग्लूकोज का ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो अलग अलग पाथवे में होता है और अलग अलग चीज कहलाता है वो, तो उसी को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 कार्बन। जब आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखोगे क्या होता है, C6H12O6। यहाँ पे कार्बन कितना है बेटा, कार्बन है 6। ओके गाइस, पिकेडियंस आर ऑलवेज, आप पिकेडियंस हैं, आपको हर चीज स्मार्टली समझनी होगी। कार्बन कितना है यहाँ पे, 6 है, तो ग्लूकोज में हमारा कितना होता है, 6 कार्बन होता है। अब ये क्या होगा इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, पहले इसका फर्स्ट ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनता है, पाइरूवेट बनाता है। पाइरूवेट ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें कार्बन कितने होते हैं, 3, तो यहाँ पे C कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। पाइरूवेट किसे कहते हैं, पाइरूवेट कहते हैं जहाँ पे कार्बन आपका कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और जी यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। पहले ग्लूकोज का फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में, उसने बनाया पाइरूवेट, पाइरूवेट में 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एनर्जी रिलीज होगी। इसके बाद 3 तरीके से ब्रेकडाउन हो सकता है, एक होता है इस, ये स्टेप तो सब में सेम होगा, इसके बाद 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा यानी ऑक्सीजन नहीं है तो ब्रेकडाउन हो रहा है, तब वो क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी। और इथेनॉल में कितना कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा। इथेनॉल में कितना कार्बन, देखिए यहाँ पे 6 कार्बन था, पाइरूवेट में 3 कार्बन हो गया, इथेनॉल में कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखिए 2 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन मिल रही है लेकिन कम मिल रही है, थोड़ी थोड़ी सप्लाई में मिल रही है, तब यहाँ पे क्या होगा, तब बनाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एनर्जी तो सब में ही रिलीज होगी, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एनर्जी रिलीज होगी होगी, ठीक है, इस स्टेप पे भी होगी और हर स्टेप पे होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन वाला लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तब वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर और एनर्जी। और देखिए जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में, लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन थोड़ी कम होगी तो मसल सेल में होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट में। अब मैं तीनों के एग्जांपल बता देती हूँ। ईस्ट में आपने देखा होगा जब ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ पे कैसे होता है, वहाँ पे एक आपका इथेनॉल बनता है। ईस्ट को कभी आपने फर्मेंटेशन में देखा होगा, ठीक है,
इसके बाद मसल्स का, तो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल हो रहा होता है वो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है और हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी में ये जो मसल्स में होता है ये भी कभी कभी होता है, ये दोनों हमारे साथ होता है। कैसे होता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक एथलीट है, एक एथलीट या फिर आप ही हैं, कोई भी हमारा स्टूडेंट एक ए है, उसको रेस में भागना है। तो जब आप रेस में नॉर्मल ऐसे काम कर रहे होते तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, और आप लोग ये एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है और हमारा काम चल रहा होता है, मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, काम चल रहा होता है। लेकिन अचानक से हमें भागना पड़ जाए, रेस में भागना पड़ जाए, ठीक है, या फिर अचानक से कुछ आ गया और हम भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से। अब तेज़ी से जब भागोगे तो आपकी मसल्स को, बॉडी को, पैर को बहुत ज़्यादा एक्सेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब क्या होगा, अब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन से काम नहीं चलेगा, आपको तुरंत अर्जेंटली बहुत सारी एनर्जी चाहिए। अब अर्जेंटली बहुत सारी एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, हमारी मसल्स के अंदर एनरोबिक रेस्पिरेशन भी शुरू हो जाता है, जिससे हमें जल्दी जल्दी एनर्जी मिलने लग जाए, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन से भी हमारे जो स्टोर है ग्लूकोज उसका फटाफट से ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और हमें एनर्जी मिलने लगती है। तो जब एथलीट भागते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग भी भाग के देखो तो क्या होगा, आप ऐसे नहीं बोलते बहुत जल्दी सांस फूल रही होती है, तो क्या होता है वहाँ पे एरोबिक एनरोबिक दोनों रेस्पिरेशन हो रहा होता है और आपको दो तरीके से एनर्जी मिल रही होती है। लेकिन यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। तो आप बोलेंगे लैक्टिक एसिड कहाँ जाता है, तो जब आप रुकते हो तो आपके मसल्स में, पैर में, हाथ में थोड़ा सा पेन होता है, तो जो वो पेन होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आपको मसल्स में पेन फील होता है, और वो पेन लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, और थोड़ा रिलीफ करने के बाद, दैट मीन 3-4-5-6 घंटे के बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है और आप रिलीफ हो जाते हो, आपको फिर जो दर्द है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ट्राई नहीं किया है तो जाइए थोड़ा सा रन करिए 2 किलोमीटर, ठीक है, थोड़ा सा पैर में मसल होगा तो समझ में आ जाएगा, पेन होगा कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा कहाँ होता है, मसल सेल्स में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये ईस्ट में होता है। ये तो पाथवे आप लोग समझ गए होंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अलग अलग पाथ में कैसे होता है और कितने कार्बन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, भाई 6। पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 होते हैं। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा ईस्ट में तो कितना कार्बन होगा, 2 होगा। लैक्टिक एसिड वाला जब होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 कार्बन होगा। इसलिए तो आपको हर स्टेप पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड एनर्जी होता है। तो ये पूरा बहुत कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पाथवे को आप लोग रट लेंगे। चलिए, रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत सिंपल है, मैंने बहुत अच्छे से प्यार से समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद एटीपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एटीपी के बारे में क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब ये होता क्या है, ये होता है हमारा एनर्जी करेंसी, यानी हर चीज़ को मेज़र करने की एक यूनिट होती है, वैसे ही एनर्जी को मेज़र करने की जो यूनिट होती है उसे हम एटीपी बोलते हैं, नॉन एज एनर्जी करेंसी। बनता कैसा है, फॉर्म इन विच एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड, सो एडीपी प्लस यहाँ फॉस्फेट मिलता है तो हमें एनर्जी, और एडीपी में से पी हटता है तो ये हमारा एटीपी बनाता है फॉस्फेट। पी क्या होता है, फॉस्फेट। तो एडीपी और एटीपी दोनों एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होता है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर रिएक्शन इन द सेल। तो मैंने बताया था कि जो आप फूड खाते हो, जो भी आपका ग्लूकोज बनता है, तो जो एनर्जी बनती है, अब आप समझ गए रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद आपकी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सारा एटीपी आप यूज़ नहीं कर लेते हो, आपकी सेल के अंदर स्टोर रहता है और आपकी सेल्स को भी बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, तो वहाँ पर जो एक्टिविटी होती है उसके लिए ये एनर्जी, उसके लिए भी यूज़ होती है और कुछ एनर्जी स्टोर करके भी रखी जाती है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम, 4 सिस्टम्स पढ़ाए जाएंगे, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में भी पूछा जाएगा और आगे भी ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है सारे एग्जाम्स के लिए। अगर आप एनटीएससी और अदर एग्जाम्स देते हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फेवरेट टॉपिक रहता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था कि भाई एक पूरा ऊपर से नीचे तक का सिस्टम है, उसके अंदर कुछ ऑर्गन इंक्लूड है और वो हमारा डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक पूरा एक सिस्टम है जिसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम है दैट इन्वॉल्व इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट। ऐसा सिस्टम है जो ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है, किस लिए? हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो आप अब से ये याद रखेंगे, जो आप ब्रीद कर रहे हो ना, वो क्यों कर रहे हो? आपको एनर्जी मिले। अगर आप, ये आपका फ्यूल है, अगर आप ब्रीद नहीं करोगे तो आपका जो ग्लूकोज खाना खाया है वो बर्न नहीं होगा, एनर्जी मिलेगी ही नहीं। इसलिए आप समझ गए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको इस सिस्टम को ही पहले समझना है, क्योंकि यहाँ पे जितनी चीज़ें दिखाई हैं उन सब के आपको फंक्शन पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, नोज से, नाक से। जैसे हमने फूड का देखा था माउथ से, वैसे ये नाक से स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं नोजल पैसेज या कैविटी। ओके, इसके बाद ये आपका माउथ है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा जूम कर दूँ, उसके बाद मैं दूसरी फिगर में भी दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे ये पाइप होती है जिसको आप लोग बचपन में विंड पाइप कहते थे, पर अभी हम इसे ट्रेचिया कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका, जहाँ से ये नोजल पैसेज स्टार्ट है, तो यहाँ पे ये जो ये पूरा है इसको हम फेरेंस बोलेंगे। इसके बाद जो ये लंबी सी पाइप है, लंबी सी पाइप, यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड जो होता है उसे हम लारेन बोलेंगे। और जो ये पाइप है, ये पाइप को, या विंड पाइप आप इसे कहते थे बचपन में, इसे हम ट्रेचिया कहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आप लोग रिब्स देख रख सकते हो, जो आपका हड्डियों का ढांचा होता है, तो इसके अंदर हमारे जो लंग्स हैं वो लंग्स सेव्स हैं। इसके बाद ये जो यहाँ से पाइप आ रही है, ये पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो विंड पाइप है, ट्रेचिया है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। और जो ये हमारे दो हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियाई बोलते हैं, ठीक है। और ब्रोंकियाई के अंदर ये जो इस तरीके से हैं, ब्रोंकियाई के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इस तरीके से पाइप होती है, और वो पाइप्स के अंदर बहुत सारे इस तरीके से, जैसे गुच्छा होता है ना अंगूर का, उस तरीके से ब्रांचेस डिवाइड होती हैं, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो इन सब के फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पे आपके लंग्स होते हैं, डायाफ्रेम है, तो ये सारे पार्ट्स का फंक्शन हम लोग को पढ़ना है और समझना है एक एक करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ आप लोगों को कि देखिए गाइस, सबसे पहले तो जो ये आपकी पाइप है, ठीक है, जो ये पाइप है, ये आपकी क्या है? ट्रेचिया है। ट्रेचिया, या फिर आप इसे विंड पाइप भी कह सकते हैं, मैं बहुत अच्छी नहीं बना रही हूँ। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? ट्रेचिया। अब ट्रेचिया के ऊपर यहाँ पे आपके गले में, यहाँ पे छू के देखो, जैसे शिव जी के बोलते हैं ना कंठ है, तो यहाँ पे देखिए आप छू के देखोगे, थोड़ा सा आपको गले में हार्श लगता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? लारेन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लारेन। ये ऐसे उठा हुआ नजर आ रहा है, लारेन। इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ से वॉइस रिलीज होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लारेन बोलते हैं। और लारेन और नोजल पैसेज, ठीक है, नोजल पैसेज या नोजल कैविटी कनेक्ट है, नोजल कैविटी जहाँ पे नाक है, और इसके इस पार्ट को, ये जो हमारा इसके ऊपर वाला जो पार्ट है जो इससे कनेक्ट है, इसे हम फेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो फेरेन, उसके बाद वोकल कैविटी वाला लारेन, और ये जो पूरी पाइप है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेचिया बोलते हैं, जो विंड पाइप है। अब इसके अंदर आपको ये दिखती है रिंग नज़र आ रही है, विंड पाइप को ऐसे 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 रिंग है, इस तरीके से रिंग है। तो वो रिंग क्यों है, ये आप नज़र आएगा आपको यहाँ पे, इसको रिंग ऑफ कार्टिलेज बोल रहे हैं। तो ये रिंग क्यों है? तो देखिए, जब हम ऑक्सीजन हमारी विंड पाइप से ऐसे जाती है तो ये थोड़ा सा फूल जाता है, उसके बाद जब वापस कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो ये पिचक जाता है, तो कोलैप भी तो हो सकता है। जैसे कि आप बैलून में हवा फूको, बैलून में या किसी ऐसी चीज़ में, पॉलीथीन में, घर पे सब्जी वाली पन्नी होगी उसमें हवा फूको तो भर जाता है, और ऐसे सक कर लो तो वो पूरी पिचक जाती है। तो इसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाए तो ये पूरा कोलैप हो सकता है ना, और हमारे सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? कि जब ये गैस एक्सचेंज हो तो ये कोलैप ना हो, तो यहाँ पर रिंग ऑफ कार्टिलेज का ये काम होता है, ठीक है। रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन समझ गए। इसके बाद मैंने बताया कि आपका नीचे क्या है, इसके बाद ये जो पाइप है ट्रेचिया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये हमारे ब्रोंकियास होते हैं,
ठीक है, ब्रोंकियोज होते हैं और इसके अंदर इस तरीके से ब्रांचेस होती हैं और ये ब्रांचेस इस तरीके से गुच्छों से कनेक्ट होती हैं। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये जो गुच्छे हैं, ठीक है, इसको अलग से आपको दिखाया है, ये इस तरीके से होते हैं। उसके अंदर बहुत पतली पतली पाइप्स होती हैं या वेसल्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्वियोल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वेसल्स होती हैं, यहाँ पे दो तरह की वेसल्स होती हैं। जैसे हमारे ब्लड में आप जब हर्ट पड़ेंगे तो आर्टरी और वेंस पड़ेंगे, तो यहाँ पे दो तरह की वेसल्स होती हैं। एक होती हैं जो ऑक्सीजन वाला, जो ऑक्सीजन है उसको लेती हैं और ब्लड में ले जाती हैं, ठीक है, और ब्लड में मिक्स करके हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। और एक जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है रेस्पिरेशन के बाद, वो इस वाली ट्यूब में लाकर वापस ये ब्रोंकियोल से होते हुए वापस यहाँ पे देते हुए लंग्स में भेजती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम ये, और जो ये एल्वियोल हैं, इसकी वजह से ही ये ब्रोंकियोल्स का फंक्शन चलता है। तो ये हम पूरा पढ़ते हैं एक एक का करके फंक्शन। सबसे पहले हम आती है हमारी नोज़। तो नोज़ का क्या काम होता है, ठीक है, नोजल कैविटी और नोज़ का क्या काम होता है। नोज़ हम, आप देखते हो पेयर ऑफ नोज़ होती है, आपकी दो नोज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप ऑक्सीजन को लेते हो, कपल ऑफ एक्सटीरियर नोस्ट्रिल्स टिनी हेयर कवर द इंटीरियर लाइनिंग नोस्ट्रिल एंड एक्ट बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजन्स। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे एयर एंटर करती है तो दोनों में ही क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे छोटे छोटे टीनी हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, जो क्या करते हैं, वो एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन, जिससे जर्म्स पैथोजन्स जो हैं या डस्ट है वो हमारे नाक से अंदर ना जा सके और हमारी जो लंग्स हैं वहाँ पर प्योर ऑक्सीजन जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, डिफेंस का काम हो रहा है, एंड प्रोवाइड द एडिशनल ह्यूमिडिटी फॉर इनहेलेंट एयर। तो हमारी नाक से ही रेस्पिरेशन का काम देखिए शुरू हो रहा है, यहां से एक फिल्टर्ड एयर को भेजा जा रहा है। इसके बाद लारेन, मैंने बताया आप लोगों को लारेन क्या है, जो आपका यहां पे वॉइस बॉक्स है, जो आपका ट्रेचिया के ऊपर जस्ट कनेक्ट है, उसको हम लारेन बोलते हैं। टर्म्स एज एडम्स एप्पल और द वॉइस बॉक्स, क्या है ये वॉइस बॉक्स है, इट इज द पोर्शन व्हिच राइज एंड फॉल्स ड्यूरिंग स्वॉलिंग एंड फूड पार्टिकल, राइजेस एंड फॉल्स, जो राइज होता है और फॉल्स होता है जब फूड पार्टिकल यहाँ से डाला जाता है। और आप ये देखेंगे जो आपका फेरेंस है, ठीक है, जो आपका फेरेंस है और जो मुंह का कैविटी है, ये दोनों एक ही जगह पे मिलता है। कई बार आप ऐसा होता है ना, नाक में कुछ डालते हैं दवा या आँख में, तो वो एक सेंटर कैविटी पे मिल जाता है, ठीक है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो सेम पोर्शन होता है, ठीक है, जहाँ पर वो कनेक्टेड होता है। इसके बाद लारेंस के बाद हमारा जो था फेरेंस था, ये मैंने बताया आपका ऊपर वाला पार्ट है, लारेंस के ऊपर का जो पार्ट है, द नजल चैम्बर ओपन अप इनटू अ वाइट होलो स्पेस टर्म एज द फारेन। तो जो नजल चैम्बर है, जो आपके नाक दोनों, जहाँ से पूरी ये नाक जो एंड होती है ना, और जहाँ से माउथ का कैविटी और लारेन के ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे दोनों चीज मिलती है, उसको हम फेरेंस बोलते हैं। इट इज कॉमन पाथ ऑफ बोथ एयर एंड फूड, ये ऐसा पाथ है जहाँ से एयर भी जाती है, फूड भी जाता है। तो कई बार आप लोग जैसे कि कुछ ड्रिंक पी रहे हो और अचानक से अटक गया, तो आप बोलते हैं ना नोजल कैविटी में चला गया, मेरे नाक से बाहर आ गया, क्योंकि वो सेम पोर्शन होता है जहाँ पे फूड और एयर के लिए सेम पोर्शन होता है। इट फंक्शन बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द विंड पाइप, तो ये प्रोटेक्ट करता है कि जो फूड पार्टिकल है वो आपके विंड पाइप में एंटर ना करे, ट्रेचिया में एंटर ना करे। द एपिग्लॉटिस इज एन इलास्टिक कार्टिलेज विच सर्व्ड एज द स्विच बिटवीन द लारेन एंड ओसोफेगस। तो यहाँ पे आपके ऐसे इलास्टिक कार्टिलेज होती है जो स्विच करती है भाई लारेंस और ओसोफेगस में। ओसोफेगस क्या था, जो आपकी फूड पाइप थी, और लारेन हमारा कहाँ पे है, जो ट्रेचिया से कनेक्ट है, जो विंड पाइप है, तो कोलैप ना करे इसलिए सेपरेट रखा जाता है। इसके बाद ट्रेचिया, मैंने बताया जो आपकी विंड पाइप है इसको हम ट्रेचिया बोल रहे हैं। द विंड पाइप राइजेस बिलो द लारेन एंड मूव डाउन द नेक, जो आपके गले से नीचे हुए जाती है और रिंग ऑफ कार्टिलेज इस तरीके से उसको कवर करता है। द वॉल्स कंप्राइजेस सी शेप्ड कार्टी लेज रिंग विच प्रोटेक्ट द फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से रिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है कोलैप करने से, कि गैस एक्सचेंज हो तो ये आपस में कोलैप ना कर जाए, इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज इसको प्रोटेक्ट करती है। ब्रोंकाई क्या होता है, द ट्रेचिया स्प्लिट इंटू टू पाइप्स। अब ट्रेचिया इस तरीके से रिंग ऑफ कार्टिलेज है, अब ये नीचे जाती है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। द ट्रेचिया स्प्लिट्स इंटू टू ट्यूब्स टर्म्स एज ब्रोंकाई विच एंटर ईच लंग्स
इंडिविजुअली, जो विच एंटर, जो एंटर करती है लंग्स में एक एक करके, ठीक है, दोनों तरफ से ये इस तरीके से होती है और लंग्स में एंटर करती है. ब्रोंकियाई डिवाइड्स इंटू सेकेंडरी, टर्शरी एंड ब्रोंक्यूल्स विच इज फर्दर डिवाइड इंटू अल्वियोल्स. दैट मीन जो हमारा ब्रोंकियाई है, मैंने बताया दो आपका ये ट्रेंचिया है, ये इस तरीके से ब्रोंकियाई में डिवाइड होगा और इसके बाद इसके अंदर फिर इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. ठीक है, अगर मैं इस तरीके अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं ब्रोंकियाई को कि ये ब्रोंकियाई है, ये ब्रोंकियाई है, ठीक है, ट्रेचिया से कनेक्ट है. अब इसके अंदर बहुत सारी रूट्स होंगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, इन रूट्स को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे. अब ब्रोंकियोल्स के अंदर बहुत सारी रूट्स के अंदर इस तरीके से बहुत सारे और फर्दर डिवाइड होंगी और जिसके अंदर बहुत सारी वेन्स होंगी, आर्टरीज होंगी, बहुत सारी ट्यूब्स होंगी, ठीक है, जो उसके सरफेस को बढ़ाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्वियोल्स बोलते हैं, अल्वियोली या अल्वियोल्स बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअली गैस एक्सचेंज होता है. यहीं पे आपका O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसमें एक होती है जो O2 कैरी करता है, दूसरा CO2, तो O2 को लाया जाता है अल्वियोल से और जो CO2 है उसे लिया जाता है और वापस ब्रोंकियोल से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए, माउथ से, और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है और O2 को एंटर किया जाता है. तो ये पूरा ब्रोंकियाई का फंक्शन होता है, इस तरीके से देख सकते हैं. ठीक है, अगर हम इसे और एक्सटेंसिव वे में देखें तो ये हमारा, ये देखिए ट्रैकिया है, इस तरीके से ये डिवाइड है, ये जो है आपकी रूट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे और ये फर्दर अल्वियोल से कनेक्ट हो जाती हैं, अल्वियोल में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो इस डायग्राम को आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा 3D स्ट्रक्चर के लिए, अच्छे से समझने के लिए. अल्वियोल का क्या काम होता है, द अल्वियोली आर द सिंगल कॉल्ड थिन वॉल्ड बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद एयर. अल्वियोल आर सिंगल सेल्ड थिन वॉल्ड, बहुत थिन वॉल्ड होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो एयर से फिल होती हैं. इसके बाद हमारा लंग्स, चीफ सेंटर ऑफ द रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन. चीफ सेंटर यानी मेन सिस्टम होता है रेस्पिरेशन का ह्यूमंस में. दे आर लोकेटेड इन द थोरैक कैविटी ऑफ द चेस्ट नियर द बैकबोन, बैकबोन के पास. और जो हमारी कैविटी है यानी पिंजरा है, ढांचा है, उसके अंदर ये सेव होता है. आइदर साइड ऑफ द हार्ट, दे आर पेयर ऑफ लार्ज स्पॉन्जी ऑर्गन मेनली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड द एयर. कंपेयर टू द लेफ्ट लंग, द राइट लंग इज क्वाइट बिगर एंड हैवियर. अगर हम कंपेयर करें तो लेफ्ट लंग से, कंपेयर टू द लेफ्ट लंग, जो राइट लंग होता है आपका, राइट हैंड साइड का जो लंग होता है वो क्वाइट बिगर, थोड़ा सा बिगर और थोड़ा सा हैवियर होता है. तो इस तरीके से पूरा फंक्शन होता है और ये सारे पार्ट्स का उतना ही रोल है, क्योंकि अगर आपके रिंग ऑफ कार्टिलेज ना हो, ट्रैकिया ना हो, ब्रोंकियोल्स ना हो, अल्वियोल ना हो, तो लंग्स भी फंक्शन नहीं कर पाएगा. अभी अगर हम बात करें COVID-19 की, तो वो यहाँ पे हमारे लंग्स पे अटैक करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज, उस प्रोसेस में दिक्कत आती है. तो ये था पूरा आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है. फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहीं पे आपको नोट्स के PDF, चैप्टर के PDF, सारे PDF प्रोवाइड किए जाते हैं. दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लें और पार्ट बन जाएं.